ट्रांजेक्शन नंबर 16 गुड्स परचेज ऑफ ₹25,000 फॉर कैश। मेरे को एक बात बताओ सर, परचेज अकाउंट डेबिट किया तो कैश अकाउंट क्या करेंगे बताओ? आंख बंद करके बिना रूल अप्लाई करे, बिना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखे 100% एक बात तो फिक्स है, एक अगर डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। सोचने का ही नहीं, डायरेक्ट लिख देने का। आया ना, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹750 फॉर कैश, गुड्स परचेज ऑफ ₹8,000 फ्रॉम सोनू। इसमें क्या बोला देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। और अभी 6 वाला ट्रांजेक्शन देखो, इसमें कैश बोला है किधर भी? नहीं ना सर, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पर देखो क्या बोला है, फ्रॉम सोनू, मतलब 6 वाले ट्रांजेक्शन में कैश नहीं दिया, नाम दिया है। नाम मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ ना। लेक्चर में अपन ने 3 क्वेश्चंस किए थे, 1, 2, 3, आज करेंगे 4, 5, 6, 7, देख लेते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टेप्स। चलिए स्टेप नंबर 1 अकाउंट आइडेंटिफाई करो, करेक्ट एग्जैक्टली। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 2 क्लासिफाई कर दो। बहुत बढ़िया, अकाउंट एक बार अपन ने पहचान लिए। कितने अकाउंट्स पहचानते हैं हम लोग? 2 अकाउंट्स पहचानेंगे ट्रांजैक्शंस पढ़ के। इसके बाद अप्लाई करो रूल्स। रूल्स जो हम अप्लाई करेंगे वो 2 ही प्रकार के होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्या, इफेक्ट्स मिलते हैं ना, तो हमको 2 ही तो इफेक्ट मिलेंगे। एग्जैक्टली, डेबिट एंड क्रेडिट। हम ट्रांजेक्शन पढ़ के कितने अकाउंट्स पहचानते हैं? 2। तो इफेक्ट भी कितने मिलते हैं? 2 इफेक्ट ही मिलते हैं। तो अगर एक डेबिट हुआ तो दूसरा, सिंपल। तो 2 अकाउंटिंग इफेक्ट्स, 2 अकाउंटिंग इफेक्ट्स का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, बराबर। और लास्ट में रीजन लिख देते हैं ना कि हमने डेबिट क्यों दिया, क्रेडिट क्यों दिया। तो रीजन लिखने के लिए हम क्या रेफर करते हैं? जबरदस्त यार, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की मदद लेते हैं। अरे डन 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 डन, चलो लेट्स प्रोसीड। चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹25,000 फॉर कैश। चलो सब लोग नोटबुक में लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹25,000, रुपीस का सिंबल बराबर से डालना, ऑफ ₹25,000 फॉर कैश। सॉल्यूशन में सबसे पहला हम क्या करेंगे, तो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद हम उस अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रूल्स, और लास्ट में होगा रीजन। ध्यान दीजिएगा, गुड्स परचेज ऑफ ₹25,000 फॉर कैश। अपने को 2 अकाउंट्स पहचानने हैं। ध्यान से मेरे को बताइए 2 अकाउंट्स कौन से लिख के रखिए। क्या पब्लिक याद है परचेजेस अकाउंट? याद है कि नहीं? परचेजेस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? तो व्हाट इज परचेजेस अकाउंट? यही तो है, गुड्स खरीदना। परचेजेस अकाउंट में सिर्फ गुड्स परचेज का एंट्री होगा, मतलब अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट पहचानेंगे, क्या अकाउंट बनेगा? परचेजेस अकाउंट। चलिए फिर 2 अकाउंट पहचानते हैं, अभी लिखिए जल्दी से, परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो भाई फिर अब आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए 2 अकाउंट्स, क्या 2 अकाउंट्स? एक तो ये है गुड्स परचेज, तो इसके लिए अकाउंट का नाम बनेगा परचेजेस अकाउंट, और दूसरा तो ये एज इट इज कैश अकाउंट। चलो भाई फिर Purchases account and second is cash account. अभी classification. सबसे पहले तो cash बताओ, cash कौन सा account? Personal, real, nominal. Sir, obviously real account. क्यों? Cash हमारे business का property है, cash property होता है, तो cash बनेगा कौन सा account? Real account, simple. Purchases account बताइए अभी, कौन सा account? Personal, real या nominal? क्या बात है यार, जबरदस्त, perfect. क्यों nominal account बोलेंगे? खर्चा है, क्या बात है अभिलाषा, बहुत बढ़िया। सर अपन गुड्स खरीद रहे तो हमारे लिए खर्चा है, क्यों? हम बार बार खरीदेंगे कि सिर्फ एक ही बार खरीदेंगे? सर हमको गुड्स बार बार खरीदना होगा तभी तो बिजनेस करेंगे। क्यों? खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर बार बार खरीदेंगे, बेचेंगे, ये कंटिन्यूअस चलने वाला है। तो अगर हम खरीद रहे तो हम पैसा दे रहे, तो ये हमारा खर्चा है, तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। तो बताइए सर, नॉमिनल अकाउंट अगर है, परचेजेस अकाउंट, इसको कौन सा इफेक्ट दोगे आप? अप्लाई रूल्स करना है, बताइए मेरे को। डेबिट क्यों? डेबिट रीजन बोलिए, रीजन बहुत सही बोला, डेबिट रीजन बोलिए। सर नॉमिनल अकाउंट है, किसका रूल अप्लाई करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट All expenses and losses. अरे दिख रहा है कि आपको? रूल देखिए, नॉमिनल का रूल देखो, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो खर्चा है उसको डेबिट देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलते फिर आगे, तो रीजन क्या लिखेंगे सर डेबिट का? परचेजेस इज एन एक्सपेंस
अरे हाँ यार, मेरे को एक बात बताओ सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट किया तो कैश अकाउंट क्या करेंगे बताओ? आंख बंद करके बिना रूल अप्लाई करे, बिना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखे 100% एक बात तो फिक्स है, एक अगर डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, सोचने का ही नहीं डायरेक्ट लिख देने का, हाँ या ना, बिना कोई डिस्कशन के। सो एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू अकाउंट्स एंड विल हैव टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, सिंपल। तो चलो कैश अकाउंट जो है उसको हमने क्रेडिट दिया, बताइए क्यों क्रेडिट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सर, कैश गोज आउट, क्या बात है, जबरदस्त। और सबसे इजी क्या कर सकते हैं बताइए? अरे हाँ ना, क्या कर सकते हैं अपन? एक्शन से अकाउंटिंग। चलो भाई अभी सब लोग इधर, मेरे पास देखिए, एक्शन से अकाउंटिंग जल्दी से बताइए, एक्शन के साथ क्या बोलेंगे? कैश आया कि गया? सर हमने गुड्स खरीदा फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स लिया बदले में पैसा दिया, तो हमारे बिजनेस से कैश गया, एक्शन करेंगे गया, सी क्रेडिट बनता है, देखो। अरे हाँ कि ना, चलो भाई तो लिख देते फिर क्रेडिट, बट यहाँ पे एक्शन से अकाउंटिंग थोड़ी लिखेंगे रीजन में, तो रीजन में क्या लिखना पड़ेगा? कैश गोज आउट, डन 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 डन। चलो भाई अगला ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 750 फॉर कैश। हाँ तो मैं बोल रहा था अपन कितना कुछ बेच रहे थे हर दिन बताएंगे? पाव का वड़ा पाव का स्टोरी, 50 वड़ा पाव, और एक वड़ा पाव का प्राइस कितना था? रुपीज 15। अप करो रुपीज 15 इनटू 50 आता है 750, बस वही तो, इसके लिए ये ट्रांजेक्शन लिया। देखो सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 750 फॉर कैश। चलो लाए भारी, जाओ या पुड़े, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 750 अप कैश। चलो भाई लिख के रखते हैं, ट्रांजेक्शन लिखेंगे और मार्जिन वाले चार पॉइंट्स लिख के रखेंगे। टू अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स पहचानना है, फिर क्लासिफाई, उसके बाद अप्लाई करना है रूल्स, और लास्ट में लिखना है मेरे को रीजन। चलो भाई मैंने तो लिख दिए चार पॉइंट्स, अभी सब लोग चैट बॉक्स पे लिखिए दो अकाउंट्स कौन से, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परफेक्ट, क्या बात है यार, पहला क्या बोला है, गुड्स बेचा, तो अगर गुड्स बेचेंगे हम तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, क्या बात है, परफेक्ट। तो चलो मैं लिखता हूं सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो अभी चलो पहले सेल्स अकाउंट कंप्लीट करते हैं, बताइए सेल्स अकाउंट पर्सनल रियल या नॉमिनल? सर सेल्स नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर, क्यों नॉमिनल अकाउंट? हम गुड्स बेच रहे हैं, अगर हम गुड्स बेचेंगे हमारे बिजनेस में तो हमारी कमाई होगी, हमको इनकम मिलेगा, और इनकम की बात कौन करता है? पर्सनल रियल नॉमिनल, ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट। तो बहुत सही जवाब आपने दिया सर, ये सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। क्या रूल बनेगा बताइए सेल्स अकाउंट के लिए? क्या रूल? सर सेल्स अकाउंट के लिए क्रेडिट, क्यों क्रेडिट? क्योंकि सर इनकम है, क्या बात है यार अभिलाषा, जबरदस्त, बिकॉज सेल्स इज इनकम। अरे हाँ है ना, एक्जेक्टली, सेल्स हमारा कमाई है, हमारा इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, इनकम को क्या करने का? क्रेडिट, एक्जेक्टली, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी कैश अकाउंट बताइए, चलिए फिर, बहुत बढ़िया। चलो चैट बॉक्स में बने रहिए, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बताइए, पर्सनल रियल नॉमिनल? सर कैश अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो ये अपने लिए रियल अकाउंट हुआ ना। क्या रूल बताइए, रूल क्या? सर सेल्स क्रेडिट, तो ये कैश अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, सिंपल। देखो ना सर, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। चलिए लास्ट में रीजन बताइए। हाँ एग्जैक्टली, सर हम गुड्स बेच रहे कैश में, तो हम गुड्स बेच रहे बदले में कैश ले रहे हैं, तो कैश बिजनेस में आया, कैश कम्स इन, तो रीजन इज कैश कम्स इन, एंड रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। So, जो भी कम्स इन टू बिजनेस, जो भी बिजनेस में कम्स इन उसको डेबिट, हमारे बिजनेस में कैश इज कमिंग इन तो कैश को डेबिट। और अपना बेस्ट, अपना ट्रिक क्या, एक्शन से अकाउंटिंग, हम एक्शन के साथ, बिजनेस में कैश आया बन रहा है डी, डी से बन रहा है डेबिट, ये देखो ना, अरे सही है कि नहीं? चलो फाइव हो गया, नेक्स्ट सिक्स, मजा आएगा सर, सिक्स और सेवेंथ बहुत इंटरेस्टिंग है। और चलिए पहले तो कॉपी कर लेते क्या बोला है, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम सोनू। चलो सब लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से नोटबुक में ट्रांजैक्शन को, गुड्स परचेस्ड ऑफ रुपीज 8,000, मैं लिख देता हूं मार्जिन में क्या क्या चीजें लिख के रखनी है वो सब लिख देता हूं मैं, दशरथ बाद में। टू अकाउंट्स फिर क्लासिफाई, उसके बाद
टू अकाउंट्स क्लासिफाई, उसके बाद अप्लाई रूल्स। चलिए भाई जल्दी से सीएपीयू, सीए तक हो गया अपना, पास जनरल एंट्री ही सिर्फ बाकी है। जरा ध्यान से अभी सुनिएगा। तो चलिए दो अकाउंट्स लिख के रखिए चैट बॉक्स पे सब लोग, परचेजेस अकाउंट एंड सोनू अकाउंट। एग्जैक्टली, क्या बात है यार, सही पकड़ा है। सर मेरे को बताइए ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? अरे याद है क्या, अपन ने सोनू से गुड्स लिया था 10,000 का, 2,000 पे कर दिया था, 8,000 उधारी में था, इसलिए मैंने सिर्फ 8,000 का ही बात किया है। ये बोथ नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 10,000 में से 2 कैश का था, तो ये 8,000 जो था ना वो पूरा क्रेडिट था। 10,000 में से 2,000 वॉज कैश ट्रांजेक्शन एंड 8,000 वॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो हियर इन दिस ट्रांजेक्शन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट वाला पार्ट ओनली। सो दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिकॉज हमने गुड्स खरीदा और पैसा दिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर ट्रांजेक्शन में कैसे पहचानने का कैश है या क्रेडिट है? इधर देखना ध्यान से, इसमें क्या बोला है देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। और अभी सिक्स वाला ट्रांजेक्शन देखो, इसमें कैश बोला है किधर भी? नहीं ना सर, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पर देखो क्या बोला है, फ्रॉम सोनू, मतलब सिक्स वाले ट्रांजेक्शन में कैश नहीं दिया है, नाम दिया है। सो नाम मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ ना, एग्जैक्टली पर्सनल। अरे समझ रहे क्या? तो दो अकाउंट बन जाएंगे, चलो फिर साथ साथ में करेंगे अभी सॉल्व। दो अकाउंट पहचान लेंगे सबसे पहले, बहुत सही पहचान आपने, एक परचेजेस अकाउंट, हमने गुड्स खरीदा है। इसका मतलब एक बात समझा क्या सर, गुड्स खरीदा हो कैश में या गुड्स खरीदा हो क्रेडिट में फर्क नहीं पड़ता, परचेजेस अकाउंट तो बनेगा। सो एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा सोनू अकाउंट। तो अभी देखना, सोनू नहीं लिखेंगे, सोनूज अकाउंट लिखेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैं लिख रहा हूं, पहला तो बनेगा परचेजेस अकाउंट एंड दूसरा बनेगा सोनू एपोस्ट्रोफीएस। एपोस्ट्रोफीएस कब डालेंगे सर? जब कोई भी पर्सन का नाम होगा, फिर वो एजीआई हो यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या व्यक्ति का, इंडिविजुअल का नाम हो, मतलब नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। एपोस्ट्रोफीएस डालने का क्या मतलब है सर, क्यों डाल रहे हैं हम एपोस्ट्रोफीएस? क्योंकि हम ये बोलना चाहते सोनूज अकाउंट मतलब सोनू का अकाउंट। अरे हाँ ना, चलिए फिर चलते आगे। स्टार्टिंग विद पहला परचेजेस अकाउंट, बताइए कौन सा अकाउंट? रियल पर्सन नॉमिनल, बहुत ही बढ़िया, नॉमिनल अकाउंट। चलिए दूसरा, नेक्स्ट रूल क्या बताइए, क्या रूल? क्यू डेबिट सर, खर्चा है माने एक्सपेंस, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है और ये बार बार करना पड़ेगा, बार बार गुड्स खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। तो हम लिख देंगे परचेजेस इज एन एक्सपेंस, सिंपल। बताइए सोनू कौन सा अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल, एकदम ही सिंपल है यार। सर नाम है, नाम व्यक्ति का नाम, नेचुरल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट ही हुआ ना। बताइए इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट, बिना कोई लॉजिक रीजन किसके सीधा डायरेक्ट फेंक देने का, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट, क्यों क्रेडिट? पहला डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, सिंपल। अब रीजन बताओ क्यों क्रेडिट? सर सोनू गिवर है, क्यों सोनू गिवर है? बोलेंगे सोनू क्यों गिवर है? सर वो गुड्स दे रही है, क्या बात है यार, जबरदस्त। सर देखो ना क्या बोला है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू, हमने गुड्स खरीदा सोनू से, मतलब सोनू ने हमको गुड्स बेचा। हाँ या ना, सोनू ने गुड्स बेचा मतलब सोनू ने गुड्स दिया, मतलब सोनू हैज गिवन दी गुड्स। तो अगर सोनू गुड्स दे रही है, इफ सोनू इज गिविंग दी गुड्स, तो सोनू गिवर बनेगी कि नहीं? दैट इज वाई सोनू इज गिवर लिख देंगे, सोनू इज गिवर, इसके लिए सोनू को क्रेडिट। अरे हाँ या ना। तो चलते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 40,000 टू अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस। गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 7,000 टू अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस। चलो लिख के रखो, टू अकाउंट्स, इसके बाद क्लासिफाई, अप्लाई रूल्स,
एंड लास्ट में रीजन, एकदम सिंपल है, बताइए दो अकाउंट। चलो लिख दो चैट बॉक्स पे। एक आएगा गुड्स सोल्ड, यानी कि हमने गुड्स बेचा, तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट और दूसरा बनेगा अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस अकाउंट। अभी सब लोग चैट बॉक्स पे लिख के रखो, सेल्स अकाउंट इज इक्वल टू, उसका क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू, उसका रूल और इज इक्वल टू उसका रीजन। क्या बात है, सेल्स अकाउंट इज इक्वल टू, सर सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, पैसा है तो हमारी कमाई हो रही है और ये बार बार होने वाला है, तो ये इनकम है और इनकम आता है नॉमिनल में और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि रूल है क्या, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। So, क्या लिखेंगे, सेल्स, सर हमने गुड्स बेचा है अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस को, तो अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस को गुड्स मिला, अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस ने गुड्स रिसीव किया, क्या बात है, तो अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस जो है वो रिसीवर बन जाएगा सर, यानी अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस ये एक पर्सन है, कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्लासिफिकेशन तो जाएगा पर्सनल अकाउंट में, ये तो पक्का है। अब इसका इफेक्ट, सर एक इफेक्ट क्रेडिट हो गया है तो दूसरा डेबिट ही होगा आंख बंद करके, और रीजन क्या सर, डेबिट द रिसीवर ना, मतलब अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस इज रिसीवर, व्हाई रिसीवर, हम गुड्स बेच रहे हैं अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस को, मतलब अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस को गुड्स मिल रहा है, अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस ने गुड्स रिसीव किया, तो अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस बिकम्स रिसीवर, देंगे अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस इज रिसीवर। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे 8th ऑर्डर ट्रांजेक्शन। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून।